अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप लोग सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर दिए क्योंकि मेरा बहुत दिल चाहा था और आज सुबह मैं 9 बजे उठी हूँ। हालांकि मैं उठती नहीं हूँ, 9 बजे लेटी रहती हूँ, उठ भी जाती हूँ ना लेटी रहती हूँ, बहुत काहिल बहुत सुस्त हूँ। तो आज मैं इसलिए इतने जल्दी उठ गई क्योंकि लाइट चली गई। वैसे तो मुझे लाइट जाने आने का कुछ पता नहीं होता, लेकिन आज जब लाइट गई तो मुझे महसूस हुआ। वो सिर्फ इस वजह से आज मैं यहाँ सोई थी, यह है मेरी मम्मा की जगह और ऊपर लगा हुआ है फैन, इसलिए मैं सहरी के बाद सोई हूँ यहाँ पे। क्योंकि ना सहरी करके जैसे अजान हुई ना तो मैंने वजू तो कर लिया था, लेकिन मैं ना ऐसे ना लेटने लगी तो ना मम्मा ने बोला कि इसको नींद आ रही, तो मम्मा ने मुझे बोला हमसा नमाज़ नहीं पढ़ी तुमने। मैंने और नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर मैं ऑलरेडी मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं दोबारा मम्मा की जगह पे लेट गई। मम्मा बैठे बैठे नहीं थी, तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मैं यहाँ सो लूँ, यहाँ ना पंखा चल रहा है, मुझे नींद नहीं आई है। मम्मा मैं यहाँ सो रहा, अभी 1:15 हो रहे हैं और लाइट जा चुकी है, इसी बात का मैं गम बना रही हूँ इतनी देर से, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि लाइट नहीं जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब्बू उधैरा और मम्मा कहाँ हैं, तो अभी वो दोनों सो रहे हैं और मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। अब जब मैं मम्मा को बताऊँगी ना, हाँ बोलेंगे बेटा तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो अभी मेरा वीडियो बनाने का दिल भी बहुत चाह रहा, मैंने सोचा वीडियो बना ही लेते हैं। अभी आप लोगों गली से ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, बताऊँ क्यों, क्योंकि सुबह हो रही है इतनी ज़्यादा, सिर्फ परिंदे जो हैं उनकी आवाज़ आ रही है। और अभी कुछ बाइक्स वगैरह जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं या कुछ बच्चे अभी स्कूल जा रहे होंगे तो उनकी आवाज़ आएगी। बहुत ही कम स्कूल वाले ऐसे होते हैं जो छुट्टी दे देते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं वो स्कूल वाले, लेकिन हमारे स्कूल वाले तो ऐसे हैं नहीं। मुझे एक्साइटमेंट तो बहुत है कि स्कूल जाऊंगी, 7th क्लास में फर्स्ट डे कैसा होगा, बहुत मज़ा आएगा, दूसरे बच्चे होंगे। लेकिन उतनी ना मुझे बहुत ज़्यादा उदासी भी हो रही है उसे इस वजह से, क्योंकि ना इतनी कम छुट्टियाँ दी हैं स्कूल वालों ने यार, थोड़ी तो ज़्यादा छुट्टियाँ दे देते, सिर्फ 15 दिन की छुट्टियाँ। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 15 दिन बोल लिए ये, वो इस वजह से क्योंकि रमजान में ना स्कूल नहीं जाया जाता। ऊपर से हमारा जो स्कूल है ना उसकी ख़ास बात यह है कि हमारे स्कूल में ना सिर्फ हाफिज़ बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और कोई एडमिशन नहीं ले सकता, तो हम हाफिज़ हैं, इसलिए रमज़ान में हमसे जो हमारे 8 पीरियड्स होते हैं ना उसमें जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें ना, जब हम 5 में होते हैं तो हमारे 4 पीरियड होते हैं हिफ्स के, जब हम 6 में आते हैं तो हमारे 3 होते हैं, और अभी 7 में आएंगे तो हमारे 2 पीरियड्स होंगे। उसके बावजूद हम नीचे जाएंगे अपने ग्राउंड में स्कूल के और वहाँ नफिल पढ़ेंगे। सबके बीच इतना रोज़ा लगता है, इतना रोज़ा लगता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अब 2 पीरियड होंगे तो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, 1.25 घंटा हो जाएगा। जब हम लोग 5th क्लास में थे ना तो हमारे पास पूरे 2.5 घंटा होता था कि हम पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। अभी 6 में है तो 3 पीरियड हो गए, अब शायद 2 घंटे, और अभी 7 में शायद 1.25 घंटा हो जाएगा। अभी जो है अबू ज़रा उठ चुका है, लेकिन वो ठहरा मेरी ज़रा सुस्त, तो वो भी मम्मा को पकड़ के अभी भी सो रहा है, मतलब सोने की एक्टिंग कर रहा है, सोया नहीं है, अभी आके मुझे देख रहा था। लेकिन अभी मैं उसको कैमरे के सामने नहीं लाऊँगी, अभी उसकी बहुत गंदी शक्ल बनी है, उसको गुस्सा आ जाएगा, मैं उसको कैमरे के सामने लाऊँगी। अभी तो बहुत सुकून है, लेकिन जब मैं बाद में अगर वीडियो बनाती हूँ ना तो आप लोग देखते होंगे पीछे कितनी बैकग्राउंड की आवाज़ आती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गली की वजह से। ऐसा लगता है हमारी गली नहीं है, मेन रोड है, मेन रोड में इतना शोर नहीं होता है जितना हमारी गली में होता है। बच्चे इतने ज़ोर से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जैसे कि ना PSL चल रहा है, वहाँ क्रिकेट चल रहा है शायद, वहाँ कुछ देख रहे हैं। और यहाँ बाइक्स तो ऐसे गुजरती हैं, ऐसे गुजरती हैं जैसे यहीं की बाइक की शॉप है, यहीं से सब बाइक खरीद के ले लेके जाते हैं। बहुत शोर होता है गली में। गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि जब मैंने सुबह वीडियो बनाई थी उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला, एक तो लाइट चली गई, फिर मुझे अपने कपड़े प्रेस करने थे, मैंने वो किए और फिर मैं नहाई। मैं आजकल मैं रोज़ाना नहा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत गर्मी होती है, बिल्कुल दिल नहीं चाहता, अजीब सा ना मतलब घुटन वाला मौसम, और ऊपर से लाइट वाले लाइट ले लेते हैं तो और अजीब सा लगता है। और ये है मेरी फुल लुक, ये सिंपल ड्रेस है और ये प्रिंटेड दुपट्टा है, और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद है और याद मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज क्या है गाइस, आज है 23rd मार्च। कुछ लोग तो भूल चुके होंगे, मेरी मम्मा को भी याद नहीं था, तो मैंने अपनी मम्मा को याद दिलाया। अब मेरे पास ग्रीन कलर का तो कोई सूट मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने ना ये वाला ले लिया, मैंने लिया थोड़ा ऑलिव ग्रीन सा है तो ये थोड़ा मैच करेगा, तो मैंने ये वाला पहन लिया। तो बहुत कम लोगों को इस बार याद है कि आज 23rd मार्च है, वैसे भी किसी को याद नहीं है क्योंकि अब वो वाली बात ही नहीं रही कि अब लोग सेलिब्रेट करें, अब महंगाई इतनी हो गई है और अब लोगों के पास ना कोई खुशी मनाने का मौका ही नहीं रहा। अब तो 14 अगस्त भी सही तरह से नहीं मनाते लोग,
तो अभी आप लोग मेरे कमरे की हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है। तो अभी मुझे इसको समेटना है, समेटने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ और फिर मैं अपना प्यारा सा रूम दिखाऊंगी। मम्मा जो हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मा और अबू रारा कहाँ हैं, तो मम्मा और अबू रारा जो हैं वो हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा हॉस्पिटल चल जाएँ। एक तो ना मम्माएं जो होती है ना कभी नहीं सुनती है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास ही जाएंगी, नहीं नहीं डॉक्टर क्या देगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। आज तो मैंने मम्मा को ज़बरदस्ती भेजा, मैंने मम्मा जाएँ यार आप डॉक्टर के पास जाएँ, फिर गई मम्मा डॉक्टर के पास। इसलिए मैं अभी अकेली हूँ घर में, इसलिए मैंने सोचा मम्मा आएंगे तो मम्मा को थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज़ दे दें घर साफ करके, मम्मा भी खुश हम भी खुश। और अभी तक मुझे रोज़ा वोज़ा नहीं लग रहा, मैंने आप लोगों को सुबह कहा था कि दोपहर में देखिएगा मुझे रोज़ा लगेगा, लेकिन मुझे अभी तक रोज़ा वोज़ा नहीं लगा है, मतलब सही है नॉर्मल है आज मौसम, लेकिन जुम्मे को जो मौसम होता है ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे। जुम्मे वाले दिन भले छोटा दिन होता है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से लाइट वाले लाइट ले लेते हैं, गैस वाले गैस ले लेते हैं, ज़िंदगी अजाब हो जाती है बिल्कुल। सो अभी हम घर साफ़ करते हैं, फिर मैं आपको अपना प्यारा सा रूम दिखाऊंगी। सो गाइस, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है। चले मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा कमरा साफ किया। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मैंने कैसा कमरा साफ किया। वैसे तो किसी की भी मम्मा से पूछें तो वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं करती है कमरा साफ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँगी अच्छा कमरा साफ करने की ताकि मेरी मम्मा भी एक दिन खुश हो जाए। तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तख्त, तख्त मैंने साफ़ कर दिया है, इससे दो जानेमाजी भी छीती वो मैंने तय करके टेबल पे रख दिया। अब जिसको नमाज़ पढ़नी जानेमाज उठाए पढ़े और फिर वापस रखे, बस आज से यही इस घर का रूल है। और फिर हम आते हैं यहाँ डैशबोर्ड, ये देखें ये मैंने प्यारा सा रूम पूरा साफ कर दिया, मम्मा आएंगे तो मम्मा खुश जाएंगी थोड़ा सा। और आज अबू रहा ने टीवी लगाया, उसकी आज बारी थी, लेकिन उसने मेरी मर्ज़ी का एक एक वीडियो भी नहीं लगाई। वो हमारे घर में जो है ना, हम लोग सुबह सूरह यासीन की तिलावत लगाते हैं, उससे आपके घर में ना बरकत रहती है, रहमत रहती है, और आपके घर में फरिश्ते आते हैं, आपके घर से कभी फरिश्ते दूर नहीं जाते। सो मम्मा कहती हैं रोज़ सूरह यासीन लगाने, उसने सूरह यासीन लगाई, लेकिन उसके बाद उसने मेरी एक मर्ज़ी की वीडियो नहीं लगाई। मैं बोलती रह गई प्लीज़ लगा दो प्लीज़ लगा दो, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो अपनी मर्ज़ी से देखता रहा। और जब वो जा रहे थे मम्मा और बुरा रहा, मुझे ऐसा लगा अच्छा मौका है भाई, लाइट भी है, अभी टीवी देखेंगे फुल इन्जॉय करेंगे, लेकिन इम्पॉसिबल, लाइट चले गई। फिर 1:30 बजे लाइट चली गई, और फिर क्या था, फिर मैंने, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो मैंने कहा चलो कमरा ही साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने कमरा साफ़ कर लिया, और अब मैं वेट कर रही हूँ मम्मा और अबू रारा का आने का, क्योंकि बहुत देर हो गई है, कम से कम 1.5 घंटा तो हो ही गया, क्योंकि मेरी मम्मा गई थी 1:30 पर और अभी फिक्स 3 बज रहे हैं, तो हो गया 1.5 घंटा पूरा। और अभी मुझे रोज़ा लगने लग गया, क्योंकि जब मैं सफाई कर रही थी मैंने झाड़ू लगाई, तो जब मैं बालकनी की साइड गया ना तो धूप आई और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सांस फूलने लग गई बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने मुंह धोया, कुल्ली की, वज़ू किया दोबारा, और फिर अभी ना मुझे नींद भी नहीं आएगी बताऊँ, क्योंकि मम्मा और बुरा घर पे नहीं है, और जब वो लोग नहीं होते ना मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। वैसे सच्ची बात बताऊँ मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे कोई भूत आके ले जाएगा, सच में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज तक मुझे भूतों से ना वैसे ही डर लगता है। एक दफ़ा क्या हुआ था, मैं सो रही थी और ना उस वक्त ना हम गर्मियों गर्मियों का वक्त था, मतलब यही रमज़ान का वक्त था, लेकिन जून जुलाई चल रहा था, तो हमारा जो ये वाला मेन गेट है ना ये खुला हुआ था, मतलब एक जाली वाला है और सामने एक और डोर है, तो वो बंद नहीं था, सिर्फ जाली वाला लगा हुआ था। तो वहाँ से बिल्ली आ गई, तो बिल्ली साहिबा ने क्या किया, पतीली रखी हुई थी पतीली वो किचन में, वो किचन में गई और वो पूरे उस पर चढ़ गई स्लेब पे, और उन्होंने ना पतीली को ना ऐसे हिलाया, हाथ मार के हिलाया होगा कुछ भी किया होगा, उससे ऐसी आवाज़ हुई जैसे ऐसा लगा किसी ने पतीली खोली, और मेरी अचानक से ऐसी ना नींद खुल गई, और उसके बाद मुझे नींद ही ना आए, अब ऐसा लगे जैसे किसी ने पतीली खोली है, फिर दोबारा आवाज़ आए, मतलब खुद से ना मैं इमेजिन कर रही जा रही थी कि अब किसी ने पतीली खोली है, अब किसी ने उसके अंदर चम्मच डाले, किसी ने चावल निकाले। उसके बाद मैंने करवट ली ही नहीं, ली ही नहीं करवट मैंने ली ही नहीं, मुझे करवट लेनी थी, मतलब नहीं पीछे कोई खड़ा हुआ है मैं करवट नहीं लूँगी, और ना मुझे बहुत डर लगता है, वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है ये भूत भूत कहानी और फलाना और ढंगाना, इन सब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं मम्मा का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा आएंगी ना तो मेरी जान में थोड़ी जान आएगी, मैं अकेले हूँ, सो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे।
सो गाइज, मुझे यहाँ कुरान रखा हुआ था, तो कुरान से याद आया कि मैं आप लोगों को दुआ बता दूँ। सो आज की जो दुआ है वो माँ बाप के लिए, क्योंकि आप लोग जब भी नमाज़ पढ़ा करें अपने माँ बाप के लिए ज़रूर ज़रूर दुआ मांगा करें, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं आपको उनके लिए दुआ बताऊँगी। ये दुआ जो है आपको अगर नहीं आती है तो आप कुरान में पारा नंबर 15 सुबहानल्लज़ी सूरतु बनी इसराइल और उसका तीसरा सफ़र, अभी मैं आपको आयत दे के बता देती हूँ और आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके तीसरे सफ़े में आयत नंबर है, आयत नंबर 22 से 23 तक, ये है आयत नंबर। और वो आयत जो है वो है वक़फ़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती वक़ुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो जो वक़ुर रब्बिर हमहुमा से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से आके दुआ शुरू हो रही है और दुआ है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ माँ बाप के लिए है, तो आप जब भी दुआ मांगें नमाज के बाद, जब भी दुआ मांगें अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दुआ मांग करें और ये दुआ भी ज़रूर पढ़ा करें आप लोग। क्योंकि मैं जब मदरसे में पढ़ती थी तो मेरी बाजी ने मुझे सिर्फ एक दफ़ा ही दुआ बताई थी, तब से लेकर मैं आज तक ये नमाज़ में ज़रूर पढ़ती हूँ अपने माँ बाप के लिए। सो आप लोगों ने भी आज से पढ़नी है और कमेंट में मुझे सब ने ज़रूर बताना है कल जुम्मा था किसने कितनी कितनी दुरूद शरीफ पढ़ी, क्योंकि मैंने कल सबको कहा था दुरूद शरीफ पढ़ने, मैंने भी पढ़ी थी। आप भी पढ़ा करें, नॉर्मल डेज में सवाब मिलता है हमको। और मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा आ गई है, आवाज़ आ रही है, अबू हुरैरा की कदमों की आवाज़ तो मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। अबू हुरैरा मम्मा आ गए, देखा आवाज़ आई, ये अबू हुरैरा मम्मा ही है। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा अभी गेट खोल लें। सो गाइज, मम्मा हॉस्पिटल से आ चुकी हैं, जल्दी आ जाए, पता है मुझे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा, अकेले थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। देखिए मैंने कमरा साफ कर दिया। अस्सलामु एवरीवन, अबू हुरैरा भी आ गया। बुरा देखो मैंने कमरा साफ कर दिया, कैसा कमरा साफ किया मैंने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस शाबाशी नहीं, शाबाशी नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। थे तुम्हारे पास नहीं मम्मा, लाइट चले गए, आप लोग जैसे गए उसी वक्त लाइट चले गई, मैं भी सबको यही बता रही थी कि लाइट चले गए। सो गाइस, मम्मा घर आ चुकी थी और फिर उसके बाद मम्मा का फ़ोन बंद हो गया बैटरी की वजह से, सो मैंने रख दिया फ़ोन, वरना मैं आपको आगे का ब्लॉग भी दिखाती कि मम्मा आई फिर क्या हुआ, बट मम्मा के फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी तो मैंने रख दिया फ़ोन, वरना ब्लॉग जाता फिर पूरा पार्ट जाता ब्लॉग का, तो मैंने रख दिया बंद करके। अभी मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, मैंने कुरान भी पढ़ लिया, तस्बीह भी पढ़ ली, नमाज़ भी पढ़ ली, लेकिन फिर भी ना रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, अभी असल की नमाज़ मैंने पढ़ी है। और अब भूल रहा कि बारी आज की भी देखने की, तो वो मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा है, लगा पड़ा है बिल्कुल अपने टीवी देख रहा है। मैं कब से बोल रही हूँ मेरी मर्ज़ी का एक लगा दो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। आवाज़ आ रही है आपको पीछे से हंसने की, ये सब यही कर रहा है, हंसे जा रहे वीडियोज़ देख के हंसे जा रहे हैं। हमको आवाज़ आ रही है, ये सारी अब बुरा की आवाज़ हैं। और अभी पूरा 1.5 घंटा बाकी है और आज एक बहुत अच्छा काम हुआ है, और वो ये कि आज अचानक से दोपहर में गैस आ गई, तो मम्मा के पास बहुत अच्छा मौका था, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप येलो वाले चावल बना रहे हो, मेरे फेवरेट हैं, ख़ास तौर पे अचार प्याज और रायते के साथ मुझे बहुत पसंद है येलो वाले चावल जो मटर वाले होते हैं। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा आप वो बना लें, तो मम्मा ने फिर वो बना लिए और साथ में मम्मा ने जो शामी के कबाब बनाए थे वो फ्राई कर लिए, तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। तो सैरी का थोड़ा सा काम जो है वो हो गया और बस अब कुछ चीज़ें मम्मा को फ्राई करनी है, जो कि हमने कहा मम्मा समोसे कर दीजिएगा। और खरबूजा मम्मा लेके आई थी जो मैं लोगों को दिखा रही थी, खरबूजे के बच्चे, वो मैंने मम्मा कहा मम्मा वो काट दें, बस ये बहुत है अफ्तारी हमारे लिए। और अभी मैं बोर हो रही थी, मैं सोचा थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। और अब बुरा को आप देख सकते हैं कि बुरा अंधा हो गया टीवी में, ये देखें वो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं लाइट ऑन कर दूँ, लाइट हमने ऑन कर दी है। अरे अब बुरा को देख सकते हैं बिल्कुल गुम हुआ है इस वक्त, तो कोई परवाह नहीं है जो हो रहा है होता रहे, और टाइम देख रहे हैं आप लोग, अब पूरा 1.5 घंटा बाकी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस।
गाइस अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं और मुझे आप लोगों को इतनी सी बात बतानी थी कि आप लोगों ने जरूर नोट किया होगा कि अब बुरा से सलाम करने आता है और अल्लाह हाफिज करके चला जाता है, बीच वीडियो में आपको बिल्कुल नजर नहीं आता। वैसे तो आज मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं थोड़ी लंबी वीडियो बना पाऊँ, कम अज़ कम 20 मिनट की, अब देखते हैं मेरी कोशिश कितनी रंग लाती है। लेकिन अब कल से मैं आपको अबू हुरैरा की एक एक हरकत की अपडेट दूंगी, फिर आप लोगों को मेरा पूरा दिन नजर आएगा कि अबू हुरैरा क्या क्या करता है, कितना जलाता है मम्मा और मुझे कितना तंग करता है। ये सिर्फ इसका एक काम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। बस तो मम्मा ने मुझे बोला है कल से तुम इसकी एक हरकत नोट करना ताकि सब लोगों को पता चले ये क्या करता है, और ये जो आदत है ना एंड टाइम पे अल्लाह हाफिज़ करना है, कितना मासूम बना हुआ है। अब कल से देखिएगा मैं क्या करूँगी। और अभी तो मैं तरावी की तैयारी कर रही थी, सो अब मैं तरावी पढ़ने जा रही हूँ और इसको मैं लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तंग करता है। आज भी इसने मुझसे बहुत मन्नतें की लेकिन मैंने बोल दिया नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगी, और चलो ना नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगी, तुम बहुत तंग करते हो मुझे, इतना मासूम जो बन रहा है ना है नहीं इतना मासूम। सो आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, अब हम आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।